नोटबंदी हुआ साथ कर सारे इंडियन इन्वेस्टर के लिए आप बताएं कि वरदान है या अभिशाप है नोटबंदी, क्या किसी को पता है? आज इस मामले में चर्चा करेंगे कि इससे क्या क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स रहे हैं और किस दिन ये नोटबंदी हुई है उसके इफेक्ट क्या रहे हैं, और उस दिन की मेरी एक छोटी सी स्टोरी है, बड़ी चार्मिंग स्टोरी है, वो भी आपको जरूर बताऊंगा। उसके बाद में इसके पॉलिटिकल लोगों ने जो इस पर किया है उसका क्या मोटिव रहा है, भाई पॉलिटिकली भी तो इसका नेशनल इशू था, आर्थिक इशू था। आपको भी पता है कि संविधान भी फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट को बर्खास्त करने की राष्ट्रपति को पावर देती है, एक एक क्लॉज है, इस पर भी सरकार को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा रीजन है, तीन रीजंस हैं, एक्सटर्नल अग्रेशंस एंड पॉलिटिकल, ये फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी एंड इंटरनल, क्या मारकाट अगर मच जाए तो, देश में अस्थिरता पैदा हो जाए तो राष्ट्रपति सरकार को भंग कर सकता, चाहे फुल मेजोरिटी की सरकार हो। तो आज इस पर भी चर्चा होगी, इस पर पॉलिटिकली कैसे किया जाए और रियलिटी में ग्राउंड में इसका क्या इफेक्ट पड़ा है, ये भी आज आप लोगों से चर्चा करी जाएगी, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जैसा कि दो दिग्गज लड़े हैं उनका भी कनेक्शन इससे है, उनकी भी चांदी चमकी इसी से चमकी है, आदरणीय श्री महेश्वरी जी, संदीप महेश्वरी जी एंड विवेक बिंद्रा जी, जो आज बड़ा सा बिजनेस चला रहे हैं। अरे भाई, अपने घर का इशू घर में सॉल्व कर लो। अब एक इतने बड़े सेलिब्रिटी हो, आप लोगों का इतना बड़ा सम्मान है, अब उस सम्मान को यार इतनी बड़ी आपकी फैन फॉलोइंग है, अब एक जान जान करके, जान तुम ये, जान तुम वो, जान तुम वो, यार कौन किसका जान है कौन किसका नहीं है भैया, वो नहीं है, और एक बोल रहे हैं नहीं तुमने बहुत बड़ा चीट किया, तुमने बहुत बड़ा स्कैम किया, तुमने ये बहुत बड़ा किया वो किया है। अरे लड़ना है तो यार आ जाओ किसी एक मंच पे, दोनों लोग लड़ लो ताकि आपके फैंस भी देख लें, और जो भी है कानूनी लड़ाई है वो लड़ लो। क्यों यार एक दूसरे को इतना बड़ा मत सुप्रीम बन जाओ कि सारी जो आपके इतने करोड़ों करोड़ लोगों की भावनाएं हैं उनको क्यों हाथ कर रहे हो। हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन है कि इसका कोई ना कोई जल्दी जल्दी सोल्यूशन निकालें। एंड संदीप सर भी काफ़ी सुलझे हुए इंसान हैं, तो सर आप भी कम से कम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल करके और इसको सॉल्व करो, क्योंकि इससे लोगों की भावनाएं हाथ हो रही हैं। सो भाई, आज नोटबंदी का इशू वहीं से ही निकल करके आया है कि आखिर में अब जो इस टेक्नोलॉजी का जो फायदा हुआ है, अब यार देखो रही बात मेरी, मैं तो नेट बैंकिंग पहले से कर रहा था, लेकिन नोटबंदी का इंपैक्ट मेरे पे क्या पड़ा है वो मैं देखता हूँ। चलते हैं अभी पहले वहां से शुरू करते हैं। 8 नवंबर 2016 को रात के 8 बजे हमारे आदरणीय SSB प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि आज की रात से 12 बजे के बाद 500 और 1000 की नोटें नो लीगल टेंडर, 500 और 1000 की ट्रेन नो लीगल टेंडर। अब मैं जुगानी अपने सा परिवार उस दिन नैनी से, जैसा कि आप लोगों को पता है मैं यूपी का हूं, नैनी से तिरुपति के लिए जर्नी कर रहा था। मेरा रिजर्वेशन था 8 बजे का, ट्रेन थी 2 बजे की, ट्रेन धक्का धक जा रही है और हम लोग आराम से सो रहे हैं, हमें कोई खैर खबर नहीं है कि क्या अनाउंस हुआ क्या नहीं हुआ, हमने बच्चों के साथ खाना खाया और हम सो। सवेरे हमारे बड़े सुपुत्र जी वहां पर गए, मैंने बोला बेटा ये लो पैसा, मैंने उनको 500 की दो नोटें दिया, पुत्र ये लो और जाओ और रूम आप बुक करके आ जाओ ताकि हो, क्योंकि मैं अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूं। अब उस समय काफी छोटा बच्चा था लेकिन फिर भी मैंने उसको भेजा, काफी छोटा नहीं मतलब उस समय है मेरा लड़का 2002-2016, तो ये मान करके चलिए कि करीब 14 ईयर का था, 14-15 बड़े वाला। फिर वो हमारे सुपुत्र जी गए, वहां से आए, उन्होंने बोला पापा ये नोट नकली है
उन्होंने रूम देने से मना कर दिया। हाँ भाई, किसी को भी शौक तो लगेगा ही, और 500 की वो वाली थी जिसकी महक थोड़ी अजीब ही थी, है चार्मिंग देती थी, नोट तो कोई भी खराब नहीं है, वैल्यू तो आज भी 500 की 500 है, लेकिन उस नोट की खुशबू और उसकी क्वालिटी तो आप लोग भी जानते हैं, वो 1000 की गुलाबी नोट उसको आप भी जानते हैं, ठीक है ना, और उसको उससे ज्यादा वो लोग जानते हैं जिनके पास काला धन अलमारी अलमारी में पड़ा पड़ा सड़ गया, ठीक है ना, तो वो लोग जानते हैं, आएंगे उस पर भी। अब मैंने नोट को इधर उधर से देखा, यार इट इज एब्सोल्युटली राइट, नोट में तो कोई कमी है नहीं, क्योंकि उस समय, आज के टाइम पर तो हमें नोट का अंदाजा नहीं हो पाएगा क्योंकि हम उतना ज्यादा जो है क्या नाम हार्ड कैश को यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस समय हर आदमी को अपने 500 की और 1000 रुपए की नोट को मेरे ख्याल से पता होता था, कि 3-4 इशूज हर ATM में हर बैंक में लगा होता था, भैया ये तुम्हारी ओरिजिनल है, ये तुम्हारी जाली है, ठीक है। मैं देखा, उसके बाद में मैं भी बोला चल भाई चलते हैं, गया वहां पर काउंटर पे, तब तक हमने कोई न्यूज देखा ही नहीं, क्योंकि हम तो वहां उतरे रात में, और उसके बाद में हमने प्लान बनाया कि चलो आज पैदल चलते हैं। अगर आप लोग गए होंगे बालाजी महाराज के पास, उनको सत सत नमन, बहुत बड़ी कृपा रही है उनके ऊपर, 2024 में मैं फिर जाने का प्लान बना रहा हूँ, अगर उनकी कृपा रहेगी तो। कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, आप लोगों को जाने से वहां से क्या भला हुआ, मेरा तो उन्होंने बहुत भला किया है, ठीक है, एक उनका और एक नीम करौली बापा का मैं तो रोम रोम से शुक्रगुजार हूँ। तो गया मैं वहां पे, पहुंचा और मैं बोला भैया क्या हुआ, भाई साहब कहाँ सो रहे हो, 500 की और 1000 की नोटें तो बंद हो गई हैं। फिर मैंने फटाफट मोबाइल ऑन किया, न्यूज सुना, ओहो अरे रे 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 रे, ये तो गड़बड़ हो गया। फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत तो यहाँ से आया, फिर गया जैसे ही वहां पर जो जगह जगह पे वहां पे अपना टीवियां लगी हुई हैं, वहां पे देखा दड़ा दड़ न्यूज आई जा रही है, न्यूज आई जा रही है। अब उस समय तो ये भी नहीं था लोगों को ना, नो लीगल टेंडर तो नो लीगल टेंडर, अब ये चलेगी नहीं, सब में अफवाहें यही फैल गई, क्योंकि क्लियरिटी तो नहीं थी ना, इतने दिन चलेगी, इतने में कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो चीजें नहीं फैली थी। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मेरे को भी नहीं क्लियर था। अच्छा, लेकिन फिर मैंने बच्चों को महसूस नहीं होने दिया, मैंने देखा यार मेरे पास 100 की नोट कितनी है, 200 तो था ही नहीं, 50 तो था ही नहीं, तो देखा तो मैक्सिमम नोट है मेरे पास, क्योंकि उस समय नेट बैंकिंग तो करता था, लेकिन पे करोगे तो किसको पे करोगे, ठीक है ना, और फोन पे और पेटीएम तो उस टाइम पे नहीं यूज करता था, बट मैं SBI का नेट बैंकिंग में करता था, बट अगर करोगे तो किसको करोगे, अकाउंट में करोगे, जब नोट ही नहीं चल रही तो फिर कैसे क्या करोगे, समस्या ये हो रही, लोगे तो किससे लोगे, अब 500 और 1000 की नोट के बजाय तो कोई काम चलेगा नहीं। तो अब देखा उसमें से कुछ पैसे मेरे पास 100-100 के भी थे, पूरा पर्स मतलब पैसे से, क्योंकि जब वो किए थे जब बाहर निकले थे तो अपना भरा हुआ था। फिर हमने उसी समय दिया उसको 100-100 की नोट दिया जो भी था, उसके बाद में रूम लिया, रूम लेने के बाद में मैं देखा मेरे पास कुछ और पैसे बचे हैं, बच्चों के लिए खाने का मैं ला करके रखा, खाने का लाते ही मेरे पास रियलिटी में बताऊं 100 और 50 की नोटें खत्म हो गई, ओनली 150 रुपीज की नोट मेरी जेब में पड़ी थी, बाकी 500 और 1000 की नोट पड़ी थी। मैं सीधा भागा कहां पे, ATM के पास, कि हो सकता है उसमें से अगर मैं खींचता हूं पैसा एंड उसमें से डिनोमिनेशन अगर डालता हूं तो 100 की हो सकता है नोटें आ जाए। वहां पे पहुंचा, ये लंबी लाइन, ATM भी ठप, बैंक भी ठप, भाई साहब मानोगे नहीं, मेरी समझ में ना आए मैं क्या करूं, क्योंकि बैंक ने भी उस दिन बंद कर दिया, अब मैं करूं तो क्या करूं, बाहर हूं, मुझे खाने के लिए क्या मिलेगा, आप मानोगे नहीं, पूरा परिवार मेरा, 2 बच्चे, मेरी वाइफ और मैं, एंड आई थिंक मेरी माँ, ये सारे थे। हाँ, तो माताजी थी या नहीं थी, माताजी पिताजी एक बार थे, एग्जैक्ट मेरे को नहीं है, आई थिंक माताजी उस बार साथ में नहीं थी। तो अब एकदम से मेरी हालत खराब, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर मैं उसके बाद में बज गया कितना, शायद 11 बज गया, बिना ब्रश किए हुए, बिना हाथ मुंह धोए हुए, थकान ऊपर से, समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, कुछ भी समझ में ना आए। जब
सिचुएशन इस टाइप की आ जाती है ना, जैसे जो कोविड के टाइम पर किसी को समझ में नहीं आ रहा, नीचे से ऊपर तक नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, गाइडलाइन फलान दिमाग आ रही बट नहीं समझ में आ रहा है, उस समय मेरे भी भाई मैं बताऊं 9 तारीख को मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मुझे महसूस हुई कि यार 50 रुपए तो हैं, मैं बहुत आशावादी आदमी हूं यार, 50 रुपए तो हैं, चल यार एक कप चाय तो कम से कम पी लिया जाए। मैं पहुंचा तो शाम को मैं ब्रश करके सोता हूं तो सवेरे का कोई वो नहीं था, तो मैंने बोला भैया एक कप चाय दे दो। हाँ ठीक है ले लीजिए, नहीं इसने तो नोट का कुछ बोला नहीं। मैं बोला भाई मेरे पास 85 रुपए हैं और अगर 50 में कुछ खाने के लिए आता है तो ये दे दो। दुकानदार हंसा, बोला सर 500 की हैं 1000 की हैं। मैं बोला सर उन्होंने तो मना कर दिया और ये तो हो गया है डिमोनेटाइज हो गया है। बोला नहीं सर देखिए एक संस्थान की मैं बात कर रहा हूं, बालाजी ट्रस्ट ने डिक्लेयर कर दिया कोई भी दुकान वाला जितने भी मेरे पिंजरे में उनको मना नहीं करेगा, उनको सामान देगा, उनको 100 और 50 की नोटे देगा। अगर वो 10 रुपए के सामान ले रहा है तो 100 और 50 की नोटों से, 20 और 10 की नोटों से उसकी भरपाई करी जाएगी और वो दिया जाएगा। ये बालाजी संस्थान ने बोलते हैं ना लोग कि तुम्हारे मंदिर तुम्हारे मस्जिद यहां पर चढ़ावा वहां पर चढ़ावा, अब कौन बोलता है मैं नहीं जानता हूं लेकिन बोलते हैं लोग। ये देखिए उस मंदिर की सोच देखिए, उन्होंने कितने यात्री होते हैं कभी जा करके देखना, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट टेम्पल है तिरुपति बालाजी। अगले दुकानदार ने बोला सर आप इस प्रेमिसिप के अंदर जिस भी दुकान पर जाओगे आपकी 500 और 1000 की नोट आराम से चलेगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप खाली एक काम करिएगा, जो आपके पास चेंजेज है उनको खर्च नहीं करिएगा, कहीं पर भी दीजिएगा तो अपनी 500 और 1000 की नोट दीजिएगा, 10 रुपए का सामान लेते हो यह संस्थान ने डिक्लेयर किया है। अगर कोई दिक्कत आती है तो यह नंबर है इस पर आप कंप्लेन करना। यह होती है सर पॉजिटिव सोच, ठीक है। ये मैं आपको अपने आप बीती इसलिए बता रहा हूं, कभी भी अगर मानवता पर संकट आ जाए ना, मानव पर संकट आ जाए, उसके खाने पीने के उसके रहने सोने के प्रबंधन में संकट आ जाए तो जिस लायक भी हो वो जरूर हमारा फर्ज बनता है, ये हमारे संस्कार है उसको पूरा करना। यहां से हमने लड़ने वाली बात शुरू किया था, इनका लड़ना सही नहीं है। तो ये हो गई मेरी एक डिमोनेटाइजेशन की छोटी सी स्टोरी, अगर आप लोग को अच्छी लगी होगी तो जरूर बताइएगा, ठीक है। अब आते हैं हम बिफोर 8 नवंबर क्या चल रहा था एंड पोस्ट 8 नवंबर इसका क्या इंपैक्ट पड़ा है। भाई साहब मैं आपको एक बात बताऊं, डिमोनेटाइजेशन से पहले आप अपने गांव में जाना, आप अपने सिटी में जाना, चाचा से ताऊ से भाई से भतीजे से सेठ से साहूकार से किसी से भी आप पूछो, उस समय यह बोलवाला था, उस समय यह था अगर आप किसी को बोलो कि मैं गूगल करूंगा मैं पेटीएम करूंगा मैं ऑनलाइन करूंगा, जो थोड़ा सा हायर क्लास का तबका है वही चाहे उसको मान ले, नहीं तो भैया कैश दे दो, होता था कि नहीं होता था, कोई भी डील करो मैं तो कैश में लूंगा, मुझे कैश चाहिए। आज के टाइम पर कितना कैश होल्ड सकते हो, आज के टाइम पर आपको जब आप देना पड़ता है लोग बोल, चलिए अभी उस पर आएंगे। तो उसके बाद में क्या हुआ है, जागरूकता बढ़ी है, किसकी, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की, बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, ये देन है डीमोनेटाइजेशन की, ठीक है। तो इसमें आपका कवर हो गया, बिफोर में आपका ये चल रहा था कि कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं होता था, कोई भी करने के लिए तैयार नहीं होता था, अरे यंग आदमी यार भैया मेरा कहीं फ्रॉड ना हो जाए, मैं कहीं फंस ना जाऊं, मैं कहीं ये ना कर दूं, ये होता था बिफोर 8 नवंबर। लेकिन आफ्टर 8 नवंबर क्या हुआ है, लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ी है क्योंकि सरकार ने पॉलिसीज लाने शुरू कर दिए, प्रमोट करना शुरू कर दिया कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो। देखो भैया किसी भी नियम को इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है, तो 8 नवंबर 2016 एंड 8 नवंबर 2023 7 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं, 3 साल के बाद आप देखिएगा इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आता हूँ पोस्ट भी आपका क्लियर कर दिया हमने,
पोस्ट में क्या हुआ, इस पर सरकार ने भी प्रमोट किया है, लोगों की भी अवेयरनेस बढ़ी हुई है और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन काफी ज्यादा हुआ है। आप सोचिए कितना लाखों करोड़ रुपीज को प्रिंट करने में लगा था, अब कम से कम प्रिंटिंग जो है वो बंद हो गई है। लाल रंग की गुलाबी नोट सरकार की, देखिए कोई पॉलिसी जब शुरू होती है ना तो थोड़ा सा ग्राउंड में आने में, उसको कंप्लीटली रोटेशन आने में थोड़ा सा समय तो लगता है, बट आज देखिए 2000 की गुलाबी नोट आपको कहीं पर दिख रही है। तो साला जो भी अगर करप्शन करेगा तो करप्शन कितने का करेगा, 500 रुपीज की नोट सबके लाकर में दिख रही है। क्यों? क्योंकि सरकार ने डिक्लेयर कर दिया इतने तारीख के बाद तुम्हारी 2000 की नोट नहीं चलेगी, तो आज के टाइम पर सबके लाकर में क्या करेगी, 500 की नोट चलेगी। अब 500 की नोट चलेगी तो उसमें अलमारी तो बड़ी चाहिए भैया, चाहिए ना। लेकिन हाँ, इन्होंने सोचा था कि हम रोक लेंगे किसको, बाकी करप्शंस को रोक लेंगे। बट बाकी करप्शंस में जैसे मैं जो है पीएम साहब का जो वो इस टाइप से जब वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं इसमें, तो वो बड़े छोटे छोटे लेवल का स्टेटमेंट दे देते हैं, इसीलिए तो वो इतने बड़े जनाधार के नेता माने जाते हैं। उन्होंने लेखपाल का नाम लिया, पटवारी उन्होंने टीटी का नाम लिया, लेकिन आज के टाइम पर टीटी और पटवारी और पुलिस वाले ले ही रहे हैं रिश्वत आपसे, ये सच है ना, ग्राउंड की रियलिटी है ना, ले रहे हैं ना। अब चाहे छुप के दे रहे हो चाहे कैसे भी दे रहे हो, दे ही रहे हो, कितने लोग हुए हो शिकार हुए हो जरूर कर। अच्छा अब इसके प्रोज में आ गया, लोग अवेयरनेस लोगों में फैली है, कौन से में देखिए, सबसे पहले भाई देखो चूल्हे तो हिल गई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, कई सारे लोगों की जाने गई हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें, क्योंकि लाइन में लगे लगे, हाँ जान उन्हीं की गई है, जो लोग बीमार थे, जो लोग बुजुर्ग थे, जो लोग जा करके उस समय मजबूरी में लाइन लगना पड़ा है, अब उन बुजुर्गों को लाइन में किसने लगाया है वो जाने, और उस सिस्टम ने जो लोग बीमार थे उनको क्यों नहीं मुहैया कराई गई है वो वहां के लोग जाने, वो हमारा आपका इशू नहीं है। लेकिन ये कौन समय रहा है, अगला कौन ये रहा है, वैसे चलिए सम्मान तो हर किसी का होता है, नेशनल होता है, लेकिन उस नोट की क्वालिटी में इस नोट की क्वालिटी में थोड़ा सा तो फर्क है। मैं आपको एक बार बताऊं, अब देखिएगा डॉलर की आप जो नोट होती है ना उसकी आवाज, और बाकी जो फ्रैंक वगैरह होती है ना, फ्रेंच की करेंसी को फ्रैंक बोलते हैं, उसकी नोट की क्वालिटी को देखिएगा और दोनों को आप दे करके देखिएगा जहां पर दोनों चल रही हो, तो डॉलर को बंदा ज्यादा प्रेफर करेगा वनस्पति की फ्रैंक की, बेशक उसकी नेशनल करेंसी फ्रैंक हो, क्योंकि खनक उसकी ज्यादा है, चमक उसकी ज्यादा है। तो थोड़ी सी क्या है अभी रुपए की वैल्यू भी हुई है, उम्मीद करता हूं गवर्नमेंट हमारी इस पर जीतेगी। अब आते हैं पॉलिटिकल इशू पर, देखिए पॉलिटिकली काफी हो हल्ला मचा है, ठीक है, लेकिन मैं साफ गोई की दास देना चाहूंगा, जब नोटबंदी के बयान पर हमारे पीएम साहब ने, उस चीज को जरूर कोट करना चाहूंगा, भाई हमारे प्रधानमंत्री हैं, सम्मान है उनका, इसमें कोई दो राय नहीं है, जब उन्होंने कितनी साफ गोई का स्टेटमेंट दिया है, आप उसको जो आदमी सुनेगा समझेगा, नहीं सुनेगा समझेगा, तो उसको मेरे ख्याल से भारतवासी कहलाने में, देश का नागरिक कहलाने में ना वो बंदा द्वंद्व दर्जे की बात करता है। पीएम साहब ने स्टेटमेंट दिया कि आप अगर एक पेशेंट थिएटर में ऑपरेशन के लिए जाता है तो उसका हर चीज सही होना चाहिए, बीपी सही होना चाहिए, शुगर सही होना चाहिए, हार्टबीट सही होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल सही होना चाहिए, मतलब उसके शरीर में कोई ऐब नहीं होने चाहिए, तभी उसको एंथेसिया का इंजेक्शन दिया जाता है, तभी उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। तो उन्होंने बोला नोटबंदी तो हमने करनी थी, आसान डिसीजन नहीं था, ये बात सही है, और मैंने गवर्नमेंट को, अपनी सरकार को, अपनी साख को, इस पर मेरी साख जुड़ी हुई है, इस साख को मैं ताक पर रख करके इसको इसलिए कर पाया हूं क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी ना इस समय बिल्कुल अच्छी चल रही थी, हर तरह से तंदुरुस्त थी, दुरुस्त थी, और मेरे लिए ये बहुत बड़ा टाइम था। अब वो एक पॉलिटिकल लेटर जरूर है, तो ऐसे तो नहीं बोल देंगे पीएम साहब की, लेकिन उन्होंने अपने शब्दों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की खुले मन से तारीफ करी है कि ये पीएम साहब की देन है। अब लोग इसको समझें ना समझें, अदरवाइज जिसको लेना है वो ले लें,
ना तो मैं कांग्रेसी हूँ, ना तो मैं भाजपाई हूँ, मैं ए पॉलिटिकल आदमी हूँ भाई, जो जैसा काम करेगा उसको मत देंगे, बट जो सही है वो सही है। आज के टाइम पर वो सिटिंग ऑन दी चेयर है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो अरबों की रिप्रेजेंटेशन है, वो हमारी शान है, हमारी नाक है। उन्होंने अगर ये स्टेटमेंट दिया है तो उनका एक बड़प्पन है, खुले दिल से उन्होंने तारीफ करी है, ठीक है। अपोजिशन ने आरोप जरूर लगाए हैं, भाई लोगों की जान गई है, यस भाई मिसमैनेजमेंट हुआ है, यस। अब इतने बड़े सिस्टम में अब एक साथ तो हर चीज को सुधारा नहीं जा सकता है, लेकिन जितना टाइम मांगा था, अब उस समय हर एटीएम के अंदर बदलाव करने थे, आपको भी पता है बदलाव होगा तभी जाकर के 200 की नोट आएगी, तभी 100 की नोट आएगी, तभी 500 की, नए वाले 500 की नोट आएगी, 2000 की नोट आएगी, तो उसमें बदलाव में प्रक्रिया में टाइम तो लगेगा, प्लस प्रिंटिंग में, प्रिंटिंग उसकी होनी है, सप्लाई उसकी होनी है, हर जगह पे उसको पहुंचाना है, तो दैट वाज नॉट इजी टास्क। बट पॉलिटिकल भाई आरोप तो लगना ही लगना है। अब देखते हैं हम रियलिटी क्या है, रियलिटी भी देखना तो हमारा फर्ज है। अब रियलिटी ये है, अभी देखिए ज्यादा इश्यूज पर जाएंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ट्रांजैक्शन में देखिए आज के टाइम पर रियलिटी जो है, हालांकि कोविड का भी योगदान रहा है इसमें, बट डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ होता, नोटबंदी नहीं होती, तो भारत वाले उसको झेले नहीं होते, सरवाइव नहीं कर पाए होते। तो अब वो जब हुआ है तो कोविड के टाइम पर भारत ने सबसे ज्यादा सरवाइव किया, उस चीज को उतना इफेक्ट नहीं पड़ा है। क्यों? क्योंकि लोगों में डिजिटल ट्रांजेक्शन की भावना जग गई थी। आज के टाइम पर आप देखिए जूते सिलने वाला, सब्जी बेचने वाला, चाट बेचने वाला, फल बेचने वाला, मतलब छोटे से छोटा तबका भी ना अपना बारकोड लगा करके रखा हुआ, यस भैया आप भैया एक्सेप्ट करते हो, हाँ भैया कर दो, दिस इज द फैक्ट, दिस इज द रियलिटी, ये हुआ है। अभी मैं फिर आता हूं, यहां से उद्गम हुआ है ऑनलाइन हमारे फ्लुएंसर्स की, क्योंकि भाई जब डिजिटल यूटिलाइजेशन हो गया तो ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स की भी भावना बढ़ी है। अब आज देखिए हमारे दो तू तो मैं दिग्गज हस्तियां यूट्यूब के कर रहे हैं, आदरणीय संदीप जी एंड आदरणीय विवेक जी, तो अब वो उनका इशू है, वो लोग अपना निपटेंगे, उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो रियलिटी में क्या हुआ है ग्राउंड में, इसके कॉन्स कम नजर आए हैं, प्रोज इसके ज्यादा नजर आए हैं। आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बढ़ा है, अब उसका नतीजा ये हुआ है कि जब ये रीचें लोगों के पास पहुंच गई हैं, तो जो परेशानियां थी ना, जो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि पहले के टाइम पर चेक लेना, लोगों को समझाना, लोगों को जागरूक करना, लोगों को एक टीम करना, वो लोगों का बढ़ा है। दूसरा, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करने का। उससे क्या हुआ है, आपका 47 लाख का ऐसे नहीं गया है, 22 लाख करोड़ से दो साल में 47 लाख करोड़ जाना आसान बात है क्या भाई? एयूएम आपके म्यूचुअल फंड एमसी का आसान बात नहीं है, उसमें ये नोटबंदी का योगदान रहा है, आप समझे इसका लिंक और इसका लिंक। आज इसलिए हमने कहा था कि ये कर्स आर वर्स रहा है। अब ये कर्स आर वर्स आप इसको डिसाइड करेंगे, मेरी तरफ से ये वर्स रहा है, बरदान रहा है, कर्ज नहीं रहा है ऑनलाइन इन्वेस्टर्स के लिए। अगर दो गुना तीन गुना एक आम इन्वेस्टर जो है 2020 के बाद में लेकर के अपने पैसे को ग्रोथ किया है, उसकी भागीदारी रही है, हाँ बेशक मैं मानता हूं, केवल केवल और केवल अभी 4 लाख करोड़ ही खाते खुले हुए हैं, इतने ही इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन इसको हमने 50 लाख करोड़ अकाउंट में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो इस प्रकार से हमने ये देखना है कि भाई ये हमारे लिए वर्ष रहा है, कर्ज नहीं रहा है, ये मैं आपको बताना चाहता था दोस्तों। हाँ थोड़ा सा लंबा हो गया है, पर जानकारी रोचक रही है, और हमने ये किया है कि अगर इतनी सारी आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आई हैं, अवसर आए हैं, तो इस अवसर का लाभ जरूर उठाएं आप।
अगर इस अवसर के लाभ से वंचित हो जाएंगे तो आप अपनी जनरेशन को पीछे लेकर के चले जाएंगे, आप अपने आप को पीछे लेकर के चले जाएंगे। टेक्नोलॉजी के साथ चलना ये आपका धर्म है, ये आपका फर्ज है। टेक्नोलॉजी के साथ आप पढ़िए, लेकिन क्या क्या उसमें सावधानियां करनी है, अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और वो आपको सही मंच मिल गया है जुगानी टॉक्स। अगर आप वहां पर पहुंचते हो तो आपको ये जरूर जितनी सावधानियों की हिदायतें दी जाती हैं उसको जरूर अमल करना है। उम्मीद करता हूं उसके कई सारे आपके पास जो बने पड़े हैं उसको देखिएगा और लाभान्वित होइएगा। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों रिवार्ड जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। और लाइक एंड सब्सक्राइब यही रिवार्ड है, इसके अलावा मैं आपसे कुछ नहीं बोलता। थैंक यू।